नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हम जिस उम्मीद और अपेक्षा से आए हैं वहां पूरी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से बात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया गया है। उद्योग लगाने को लेकर निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। साथ ही कोयंबटूर में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। आज मध्य प्रदेश से आकर के तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में निवेशकों से सम्मिलित रूप से बात करके एक तरह से शिखर सम्मेलन में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आए थे उसका पूरा प्रतिसाद मिला। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रकार के उद्यमियों से बात करने का मौका मिला है। हमारी पॉलिसियां जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में लोग अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगाए, इस दिशा में जो हमने ऑफर रखा है बड़े पैमाने पर, इसमें लोगों ने रुचि दिखाई है। और खास करके रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का, अलग अलग मशीनरी आइटम का, और हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के निवेशक अपना काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ एक कार्यालय खोलने की घोषणा भी की है, जो मध्य प्रदेश सरकार का कोयंबटूर में तमिलनाडु सरकार और मध्य प्रदेश में दोनों के बीच एक सेतु का काम करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से रीजनल हम सबमिट कर रहे हैं, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, और अब आने वाले समय में खास करके ग्वालियर, सागर, रीवा, भोपाल, इनके लिए मैंने आमंत्रण भी दिया और वो लगातार आए और अपने काम धंधे को फैलाए, ये मैंने निमंत्रण दिया। आज मध्य प्रदेश से आकर के तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में निवेशकों से सम्मिलित रूप से बात करके एक तरह से शिखर सम्मेलन में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आए थे उसका पूरा प्रतिसाद मिला। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रकार के उद्यमियों से बात करने का मौका मिला है। हमारी पॉलिसियां जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में लोग अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगाए, इस दिशा में जो हमने ऑफर रखा है बड़े पैमाने पर, इसमें लोगों ने रुचि दिखाई है। और खास करके रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं, इस बजट में 5 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए मैं बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहां रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस बजट में 5000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सर्वदलीय बैठक पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सवाल जवाब दोनों आते हैं, सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे, और सदन में जितना समय रहता है उसके अनुरूप हम पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। वहीं केंद्रीय बजट पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बजट और राजनीति अलग अलग तो नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर राजनीति नहीं होती तो बिहार और आंध्र प्रदेश को अलग अलग पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार बीजेपी को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
तो ये ठीक बात है कि बजट में बात होगी, अगर राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है, कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था, सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और बजट जो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं गलत बात। वहीं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया के सवालों पर कहा कि कल बजट भाषण में जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी सामने आए, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी वो सदन के लिए एक सबक था। जिस तरह से उन्होंने विभाजन वाली शक्तियों का जवाब दिया उससे लगातार है कि उसे यहाँ लगता है कि अभिषेक बैनर्जी की बातों से वो घबरा कर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये बीजेपी के बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो जो कहती है वो कभी करती नहीं है ना कर सकती है। अभी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान आपने देखा बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा है और क्या क्या वायदे नहीं किए। पूरा करने की ना क्षमता उनके अंदर ना इरादा है ना करेंगे। अभी बजट में भी जो बातें की हैं आपने देखा है, जिस तरह से डिवीजन करने की कोशिश की है, विभाजन करने की कोशिश की है। आपने अपने सहयोगियों का भला किया, अच्छा किया है, चाहे आंध्रा का हो कि बिहार का मामला हो, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, उनको दिया, वो तो अपेक्षित भी था, लेकिन बिहार को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। दो अगर एक्सप्रेसवे दे दिया और चंद मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे, हवाई जहाज़ का प्लेटफॉर्म देने की बात की, एरोड्रोम देने की बात की, उससे कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ये मांग बहुत पुरानी थी। ये तो वहाँ की सरकार, जब तेजस्वी यादव भी थे चाहे नीतीश बाबू भी थे, तब से उनकी ये मांग बराबर चलती आ रही थी। उसी तरह से आज जिस तरह से कल बजट भाषण में अने रोल मॉडल बनकर जिस तरह से हमारे अपने बंगाल के अभिषेक बैनर्जी सामने आए उभर कर, जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी ने अपनी तकरीर रखी, वो रोल मॉडल बनकर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था कि लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से उनके इनके विभाजन वाली शक्तियों का, चाहे विभाजन की हरकतों का, जिस तरह से उन्होंने ब्यौरा दिया है, जिस तरह बताया है, तो इसलिए लगता है अभिषेक बैनर्जी की बातों से भी घबरा कर अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उसको जोड़ना क्यों भाई, कैसे जोड़ना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। वही कहते हैं कि हाँ अलग कर देना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है, किसके अंदर शक्ति है, क्षमता है, अकल है, इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं इन बातों पर ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ और ना इन बातों से मैं सहमत हूँ। ये खबर में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद राजेश शुक्ला ने मीडिया के सवालों पर कहा कि पूरे देश में किसी राज्य को कुछ नहीं दिया गया, बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी। उन्होंने अपने गठबंधन दलों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिल पाया है। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, जहां जाएंगे वहीं आलोचना होगी, क्योंकि अगर आप ये देखो तो पूरे देश में उन्होंने किसी राज्य को कुछ नहीं दिया। जो बिहार और उसकी आंध्रा की बात कर रहे हैं, एक्चुअली उनको भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि बिहार को तो ये तय हुआ था ना कि स्पेशल स्टेटस देंगे, वो तो दिया नहीं। एक पावर प्लांट के लिए दिया, एक सड़क के लिए दिया, तो बिहार के साथ भी अन्याय किया एक्चुअली इन्होंने। ऐसे ही आंध्रा को भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ राजधानी के लिए दिया। तो ये डर के उन्होंने दोनों जो है अपने गठबंधन दलों के हैं उनको खुश करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली उनको भी कुछ नहीं मिल पाया, तो इसलिए वो भी कोई लंबे दिन तक खुश नहीं रहने वाले। इसलिए इस बजट में जो है किसी राज्य को कोई सहायता नहीं। अगर वो शोकेस करने जाएंगे जगह जगह तो उनको वहां पे उल्टे जो है लोग आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, लोग उनकी आलोचना करेंगे। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, जहां जाएंगे वहीं। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीट का मुद्दा देश में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जिसे राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था। सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है और वह अंधी और बहरी हो गई है। हम सभी को इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि ये पेपर लीक कैसे होते हैं, केवल कागजी काम और भाषणों से काम नहीं चलेगा।
सवाल पूछने का, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, नौजवानों के भविष्य को जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है। आप सब यहां नौजवान साथी बैठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परीक्षा पास कर नौकरी पाना बड़ा कठिन, जटिल, मेहनतकश, तपस्या त्याग करने के बाद, एक बच्चा बच्ची नहीं करते, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए, कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंधी बहरी होकर सरकार बोल रही नहीं, कोई घपला नहीं हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हम सब आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में आए हैं, हमको ये जवाब लेने होंगे। ये पेपर लीक होते कैसे, करवाने वाले कौन है, और कागजी कार्रवाई से, भाषण देने से, घड़ियालों आंसू बहाने से नहीं होगा। आप उन लोगों को पकड़ो जो इसके पीछे बैठे हुए हैं, हमें मजबूर करना पड़ेगा साथियों, हमें मजबूर करना पड़ेगा देश के उन लोगों को जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं। मैं आरोपी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो लोग ऐसे अपराध को बर्दाश्त भी कर रहे हैं वो उतने ही गुनहगार हैं। और छात्र संघ की बात करते हैं, धीरज जी बोल रहे थे, प्रदीप जी बोल रहे थे, सही बात है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, छात्रों के अधिकारों पर रहने मिलनी चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिन परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनकी बोली लगेगी, वो हजारों लाखों में बिकेंगे और करोड़ों हमारे बच्चे परिवार मातम मनाएंगे, दुख मनाएंगे, कचहरी के चक्कर काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, सैद्धांतिक संकल्प लेना चाहिए। सवाल